है जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में दो बच्चों समेत पांच लोग जख्मी हुए। हादसा उस वक्त हुआ जब दिल्ली से हरिद्वार की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार जो है वो पीछे से एक ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। ये देखिए यहाँ पर तस्वीरें, बताया जा रहा है कि दिल्ली नंबर की गाड़ी जो है वो बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से जा रही थी, लेकिन टोडा बाईपास के नजदीक अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो सामने आ जाती है और ये कार उससे जा टकराई। इसके बाद कार में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती भी किया गया। ये उसी दौरान की तस्वीरें देखिए, उसके बाद जब वहां पर आग जो इस गाड़ी में लग गई थी उसको बुझाने के प्रयास किए गए। बताया जा रहा था कि गाड़ी जो है वो बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से चल रही थी। पूरा हादसा जब हुआ तो उसमें पांच लोग जख्मी हुए, जिसमें दो बच्चे भी बताए जा रहे हैं। जो ट्रॉली थी उससे सीधा जाकर ये गाड़ी टकरा जाती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि उसके बाद कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड ने अभी फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। जो लोग जख्मी हुए, पांच जिनकी संख्या बताई जा रही है, उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती किया गया इलाज के लिए। सही है, वो बीच में बैठा था, इन्हें पीछे से मारी टक्कर है।